सुप्रभात बच्चों, फिर से स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी क्लास में। ठीक है बच्चों, अच्छा पिछले वीडियो में मैंने आपको जो पढ़ाया था सबने उसको पढ़ लिया है, वेरी गुड। तो आज हम जो आपको चैप्टर पढ़ाएंगे वो है आपका चैप्टर 2 हिंदी रिंकिंग बुक। पता है तो ये वाला निकालिए सब अपना अपना हिंदी रिंकिंग बुक निकालिए सर। वेरी, तो अभी हम चलते हैं आपका चैप्टर 2 की तरफ। ओके, अच्छा अभी चैप्टर 2 क्या है, आम की कहानी। वेरी गुड, कैसे पता चला आपको? ये मैंने आम बनाया है इसलिए। अच्छा, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है आपकी आम की कहानी। ओके, तो मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं होगा जिसको आम पसंद नहीं है। हमारे देश के जो सबसे प्रिय फल जो है वो क्या है, आम, जो हर किसी को बच्चे बूढ़े से लेकर सबको पसंद है। तो उसी के बारे में आज हम आपको एक कहानी बताएंगे, लेकिन वो है आपकी चित्र के रूप में। आपका जो ये आपका चैप्टर है ये आपका चित्र के रूप में, तो हम उसको क्या करेंगे ना, कहानी बनाएंगे। ठीक है, तो प्लीज आप अपना बुक का पेज नंबर 18 निकाल लीजिए। ये वाला पेज निकाला सबने, पहला पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्ची जो है वो क्या कर रही है, ये पके हुए आम को देख रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कौवा, कौवा क्या कर रहा है ना, वो भी वो आम को देख रहा है जो आम पक चुका है। ठीक है, तो लड़की जो है वो आम को देखकर बहुत खुश हो रही है। जैसे आप सब होते हो, जब पापा आपके लिए आम लाते हैं बाजार से, आप उसको देखकर कितना खुश हो जाते हो, मम्मी मम्मी मुझे 2-4 देना, एक नहीं मेरे लिए 4 रखना, मैं सब खा जाऊंगा। तो ऐसे करके आप अपनी मम्मी से कैसे जिद करने लगते हो, उसी तरह की जो लड़की है ये पके हुए आम को देखकर बहुत खुश हुई। ठीक है, सेकंड पिक्चर में देखिए कि जो लड़की है वो आम को देखकर सोच रही है कि क्यों ना इस आम को तोड़ा जाए। तो इसीलिए उसने क्या किया ना, अपने भाई को बुलाया। किसको बुलाया, अपने भाई को बुलाया। क्यों, आम तोड़ने के लिए। जैसे आप कहीं भी गए हो आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो आप किसको बुलाते हो चीजें निकालने के लिए, मम्मी को और पापा को, नहीं तो भैया या अपनी बहन को। उसी तरह लड़की ने भी क्या किया, अपने भाई को बुलाया। और उसका भाई जो है वो क्या लेके आया है साथ में, देख सकते हैं एक गुलेल लेके आया है। ठीक है, तो फिर आके वो क्या कर रहा है ना, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे भाई मेरे मिलकर। उसके बाद ये वाला पेज पे चलिए, 19 पेज को, 19 पेज में आप देख सकते हैं लड़का जो है वो गुलेल से आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो फिर लड़की जो है वो बहुत खुश हो रही है, मेरे भैया जो है वो आम तोड़ के मुझे दे देंगे। उसी तरह उसने क्या किया ना, अपने गुलेल से आम पर निशाना साधा और आम को तोड़ दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आम जो है वो टूट चुका है पेड़ से, और कौवा जो है वो उसको लपकने के लिए भागे जा रहा है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों देख रहे हैं, और उन्हीं के सामने कौवा जो है वो क्या किया ना, आम को ले लिया और अपनी चोंच से पकड़ लिया। लेकिन जब वो आम लेके जा रहा था तो फिर क्या हुआ ना, ये देखिए ये क्या है पेड़ के ऊपर, मधुमक्खी का छत्ता। तो वो वहाँ पे टकरा गया, और जिससे ही वो टकरा गया और सारे जो मधुमक्खी उसको काटने लगे। तो जैसे आपको कोई चींटी वगैरह काट लेती है तो आपको कितनी तकलीफ होती है कि नहीं, उसी तरह जब कौवे को सारे मधुमक्खियों ने काटने की कोशिश किया तो उसको भी बहुत तकलीफ हुआ। उसने क्या किया, तकलीफ की वजह से अपने मुंह से जो आम वो लेके जा रहा था वो आम जो है वो छूट गया उसके मुंह से, और वो आम छूट के कहाँ गिरा, कोई भी चीज अगर ऊपर से गिरता है तो आइटर वो जमीन के ऊपर गिरता है, या अगर कोई चीज यहाँ पे रखा हुआ है वो उसके ऊपर गिरता है। उसी तरह आम कहाँ पे गिरा, ये देखिए किसमें, यहाँ पे कुछ अंडे जो है घोंसला है, अंडे जो रखा हुआ है घोंसले में, तो वो जहाँ पे रखा हुआ था उसके ऊपर वो गिर गया। फिर वहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ के
देख रही थी, उसमें से एक गिलहरिया जो है आम लेने के लिए आ रही है। अभी आप अपना पेज नंबर 20 निकाल लीजिए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे गिलहरी जो है वो टोकरी से आम लेके जा रही है। और फिर क्या हुआ, क्योंकि आम जो है वो अंडे के ऊपर गिर गया था, इसीलिए सारे अंडे जो है वो टूट गए। अभी उसमें से क्या निकले, कौवे के बच्चे। और जितने सारे कौवे के बच्चे निकले, क्योंकि वो अभी अभी पैदा हुए थे, तो वो काव 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 ऐसे करके शोर मचाने लगे। और गिलहरी जो है वो शोर सुनकर उसकी मुंह से आम जो है वो गिर गया। तो आम कहाँ गिरा, ये देखिए आम गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। और ये हमें देखिए आम जाके कहाँ पे गिरा, पगड़ी के अंदर गिरा। और फिर आदमी जो है वो सोया हुआ था, और ये जो आम जो है वो उसकी पगड़ी के ऊपर गिरा है, उसको तो पता ही नहीं था। यहाँ पे देखिए कौवा जो है वो उसको लेने के लिए आ रहा है, लेकिन लड़की ने आम को ले लिया। कैसे पता चला, ये देखिए अपने पेज नंबर 21 में लड़की ने आम ले चुकी है। लड़की जो है वो वहां से आम उठा चुकी है, और उसको देखकर वो कितनी खुश हो रही है, जैसे उसको अपनी मेहनत का फल मिल गया हो। और आप देखिए यहाँ पे गिलहरी और कौवा ये सब देखते ही रह गए, क्योंकि वो भी सब नजर गड़ाए बैठे थे, लेकिन किसी को नहीं मिला। लेकिन उसको मिला, किसको, लड़की को। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है उसका जो भैया गुलेल से जिसने आम तोड़ा था, वो भी बहुत खुश हो रहा है। और वो क्या बोल रहा है, देखा मेरे गुलेल का कमाल, क्योंकि अगर मेरे गुलेल ना होता तो आम कभी पेड़ से टूटता क्या नहीं, इसलिए ये मेरे गुलेल का कमाल है। और वहाँ पे देख सकते हैं कौवे के बच्चे जो है वो देखते ही रह गए, आप देख सकते हैं। तो ये था आपका जो टॉपिक में पेज का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो चैप्टर है, ये टोटली आपके पिक्चर के ऊपर है, तो हमने उसको कहानी का रूप दिया है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह अपने घर में उसको जरूर पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी, ठीक है। क्या सवाल पूछूं आपको, जो मैंने अभी बताया, पढ़ाया और समझाया, उसके बारे में मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी, और आपको क्या करना है ना, उसके सवाल का जवाब मुझे देना है। दोगे ना सर? अच्छा, तो अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, इसी में से ही कुछ क्वेश्चन आपको पूछती हूँ, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो ये देखिए मैंने आपके लिए कुछ सवाल भी तैयार किया है, तो मैं आपको पूछूंगी, तो आप मुझे आप ठीक ठीक से बताइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्या करना है ना, यहाँ पे कुछ मैंने आपको ऑप्शन दिया है, आपको वो ऑप्शन चूज करके क्या करना है ना, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, लड़के ने पेड़ पर बैठ देखा, आप बताओ क्या देखा। वेरी गुड, आम देखा। ये तो यहाँ पे ये हमारा कट गया, तो इसका मतलब वो खत्म हो गया। उसके बाद दो नंबर, कौवा बहुत प्यास था। आप बताओ, आप बताओ, चला। वेरी गुड। अच्छा नंबर तीन, आम कौवे के प्यास में गिरा। बताइए बताइए कहाँ पे गिरा, घोंसले में। वेरी गुड, इसका मतलब आप सबने मेरे बातों को अच्छे से सुना है, घोंसले में गिरा। अच्छा नंबर चार, मधुमक्खियाँ कौवे को प्यास मारने लगी। बताइए यहाँ पे मैंने आपसे लिखा है, कौन सा आंसर सही होगा। वेरी गुड, डंक मारने लगी। तो नंबर फाइव, एक प्यास ने आम को घोंसले से उठा लिया, कौन घोंसले से आम को उठा लिया। वेरी गुड, गिलहरी ने। बहुत अच्छा, ओके। तो ये वाला हमारा जो एक नंबर का क्वेश्चन आंसर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा नंबर दो को चलते हैं, समझ कर लिखो। आपको क्या करना है ना, एक लिखना है, एक का ज्यादा भी लिखना है, एक और अनेक। तो एक में तो एक लड़की है, एक लड़की मतलब
आपके लड़के हैं, तो अगर एक से ज्यादा हो गए तो क्या होगा? वेरी गुड, लड़कियां। हाँ लड़कियां। अच्छा नंबर दो को चलते हैं, गिलहरी। एक गिलहरी, उससे अगर ज्यादा हो गए तो क्या होगा? आप बताओ, गिलहरियां। वेरी गुड, गिलहरियां। निकाला? वेरी गुड। अपना पेज नंबर 22। अच्छा पहले लिखा है, लिखो कहानी में पहले क्या आया। आपको क्या करना है, क्योंकि हमने चित्र के माध्यम से आपको ये वाला समझाया चैप्टर, इसीलिए कहानी में पहला किरदार कौन था, तो वो कौन आया जो कहानी के किससे पहले शुरू हुआ। ओके, जैसे क्लास हमारा शुरू होता है, कोई ना कोई बच्चा तो पहले आता है कि नहीं, क्लास में आता है कि नहीं, आइए वो शुभम हो सकता है, राम हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरह आप, जैसे कि हमने आपको चैप्टर शुरू किया, तो चैप्टर में पहले कौन आया, कौन आया? लड़की। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर भी दे दिया है कि पहले किरदार में हमने लड़की को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। उसके बाद कौन आया, ये वाला जो पिक्चर दिया गया है, इन्हीं पिक्चर में से ही हमें चूज करना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद और कौन आया, कौवा, क्योंकि वहां पे लड़की के साथ साथ आम को और कौन देख रहा था, कौवा देख रहा था। तो पहला है लड़की, उसने दे दिया है, हमें नंबर 2 से लिखना है, तो नंबर 2 में आया कौवा। अच्छा नंबर 3 में कौन है, आप बताइए, इन्हीं में से ही आपको बताना है। गुले, वेरी गुड, क्योंकि उसकी भैया को बुलाया, तो भैया साथ में क्या लाया था, गुलेल को लाया था। नंबर 4 में कौन आया, ये, क्योंकि कौवा जब आम लेके जा रहा था तो वो मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया, इसीलिए मधुमक्खी का छत्ता।
ओके बच्चों, यहाँ तक आप अपनी बुक में लिख लीजिए प्लीज। लिखा सबने? वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कौन कहाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ पिक्चर दिया गया है। तो ये जो पिक्चर में दिया गया है ये किसके हाथ में, किसके ऊपर, कहाँ पर, ये आपको मेंशन करना है। तो पहला आप देख सकते हैं गुलेल का चित्र दिया है। तो गुलेल किसके हाथ में था बताइए बताइए। वेरी गुड, लड़के के हाथ में था। तो हम क्या करेंगे ना, लड़का लिखेंगे। ओके लड़का, क्योंकि गुलेल जो है वो उसी के हाथ में ही था। तो नंबर टू, नंबर टू में दिया है व्यास के ऊपर। ये देखिए ये क्या है, झोपड़ी जो है वो कहाँ पे था जी, घोंसला, घोंसला कहाँ पे था। वेरी गुड, डाली के ऊपर, पेड़ में जो डाली था। वेरी गुड, डाली के ऊपर। नंबर थ्री, ब्यास में कौवे के बच्चे कहाँ पे थे। वेरी गुड, घोंसले में थे। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।